सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन को बिश न मिलने पर सीनियर उसे होली माउंटेन के ऊपर वाले पोर्टल में भेजते हैं, जहां जाकर आओ चेन को एक लिजार्ड बिश मिलता है, लेकिन उसके अंदर डार्क एनर्जी होती है जिससे आओ चेन निकाल देता है और फिर वो लिजार्ड आओ चेन के साथ अपनी जान का समझौता कर लेता है, यानी कि अगर कभी मास्टर मरेगा तो वो भी उसके साथ मारा जाएगा, लेकिन जब वो बिश मरेगा तो मास्टर को कुछ नहीं होगा, जिसे देखकर सीनियर और ये हुआ दोनों हैरान होते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि आओ चेन ये हुआ के साथ वापस लौट रहा था और अपने बिस्ट को मछली खिला रहा होता है, तभी ये हुआ आओ चेन को बताते हैं कि वो टैलेंटेड लोगों से क्यों नफरत करते हैं। वो बताते हैं कि 100 सालों पहले जियो सिटी में मुझे सब लोग एक जीनियस मानते थे। ये हुआ बताते हैं कि मैं 15 साल की उम्र में लेवल 3 पर पहुँच चुका था और मैं जियो सिटी का सबसे कम उम्र का लेवल 3 नाइट बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन डिवाइन रेजरेक्शन के बाद मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 9 आई और सब कुछ खत्म हो गया। सबको पता चला और उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसके बाद होली माउंटेन में भी कोई मेरा बिस्ट नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर मुझे बिस्ट मिला। उस समय ये भी मेरी तरह बहुत ही अकेला था। आओ चेन, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो तुम इस दुनिया में कुछ नहीं हो, और इसी वजह से मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था। ये वह बताते हैं कि मुझे उन लोगों से नफरत है जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बीच पर हमला करना चाहा तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैं उन्हीं की तरह बन रहा हूँ जिनसे मैं नफरत करता हूँ। अगर मैं खुद को शांत करके सोचता तो मुझे समझ आता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ये वह कहते हैं कि मैं 9 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला एक आम आदमी हूँ और यह भी लेवल 5 पर जाकर रुक जाएगी। क्या आप भी तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे? आओ चेन कहता है कि हाँ। वो ये वह से कहता है कि आपकी एक बात गलत है, क्योंकि आप कभी बेकार नहीं थे, आप हमेशा से टैलेंटेड हो, क्योंकि आपने जो डिफेंस बनाया था वो बहुत अच्छा था, आप एक जीनियस हो। अब यह सुनने के बाद ये वह उसे ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर देते हैं और आओ चेन को अपने पास बुलाते हैं और से कहते हैं कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, और यह कहकर वो उसे अपने बिश के ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। और आओ चेन जब नीचे गिर रहा था तो ये वह उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें अब से और स्ट्रॉन्ग बनना है। ये हुआ आगे आओ चेन से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें मौत को हराने की मत होनी चाहिए, और यह कहकर वो अपनी तलवार से उस पर हमला कर देते हैं, जिसे आओ चेन रोकता है। ये वह आओ चेन से कहते हैं कि भले ही तुम्हारा अंत नजदीक हो, फिर भी तुम्हें अपनी तलवार उठानी होगी, चाहे तुम्हारा सामना डीमन गॉड से ही क्यों ना हो जाए। डीमन गॉड से सामना करना मतलब मौत से सामना करना। ये वह कहते हैं कि तुम्हें अपने दिल में छुपे डर को खत्म करना होगा इंसानियत को बचाने के लिए। अब आओ चेन भी लाइट स्लैशिंग शॉट का यूज करता है, लेकिन इससे ये वह को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आओ चेन नीचे गिर जाता है, लेकिन ये वह उसे बचा लेते हैं और ये सब नालन भी देख लेते हैं। इसके बाद हम आओ चेन को दौड़ते हुए देखते हैं। वही दूर नालन और ये वह भी खड़े थे। ये वह नालन को कह रहे थे कि आओ चेन के पास कुछ मिस्टीरियस पावर है। नालन ये वह से पूछता कि आगे तुम क्या करना चाहते हो, तो ये वह कहते हैं कि मेरा एक ही मकसद है और वो आओ चेन को डेविल रेस तक पहुँचाना। वो कहते हैं कि हर 5 साल में डीमन हंटर ग्रुप का सिलेक्शन होता है और यह पूरी लीग का सबसे जरूरी मैच है। 6 टेम्पल से अलग अलग नाइट आएंगे और एक सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनेगा। यह ग्रुप डीमन गॉड को मारने के लिए बनाया जाता है, यह सिर्फ इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। ये वह कहते हैं कि मैं ये बात आओ चेन को नहीं बताना चाहता, जब आओ चेन वहाँ जाएगा तो सबको चौंका देगा। ट्रेनिंग के दौरान आओ चेन उन स्लेव्स को भी सीखता है जिनसे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिससे दुश्मन का टाइम स्लो हो जाता है। अब आओ चेन बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करता है और इस दौरान वो बड़ा भी हो जाता है, और जब आओ चेन लाइट स्लैशिंग शॉट का यूज करता है और ये हुआ कि शील्ड को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर ये हुआ हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला भी मेरी शील्ड को नहीं तोड़ सकता। इसीलिए आओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसकी एनर्जी 1014 थी, जिसे देखकर ये हुआ पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ। आओ चेन कहता है कि नहीं, जिसे देखकर तो ये हुआ बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये हुआ आओ चेन से पूछते हैं कि तुम्हारी बचपन की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी है। तभी आओ चेन को उसके पिता की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि तुम कभी अपनी यह स्पिरिचुअल एनर्जी किसी को मत बताना, और यह भी मत बताना कि तुम एक डिसिप्लिन नाइट हो और तुम ही लाइट ऑफ सन हो। ये वह कहते हैं कि अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आओ चेन एक चारों तरफ शील्ड बनाता है और ये वह से कहता है कि आपकी जगह मेरे दिल में एक मास्टर की और एक पिता की तरह है, दूसरों के लिए मेरा सीक्रेट एक सीक्रेट ही रहेगा।
जाएगा। हाओ चेन यहोवा से कहते हैं कि यह बात आज से पहले सिर्फ मेरे पिता जानते थे, लेकिन आप भी पिता की तरह हो। यह सुनकर यहोवा मुड़ जाते हैं। दरअसल उनकी आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए थे और वो मन में कहते हैं कि मेरा कभी कोई बेटा नहीं था, लेकिन अब तुम हो। तभी हाओ चेन कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 97 है, जिसे सुनकर तो यहोवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मतलब जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा नहीं थी। हाओ चेन कहता है कि मैं उस समय स्पीड एमिटिंग फर्नेस से जुड़ा हुआ था, और जब ये हुआ कुछ पीते हैं तो हाओ चेन को देखते हैं और वो देखते हैं कि सच में हाओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी 97 थी। फिर ये हुआ हाओ चेन को स्पिरिचुअल लाइट ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं कि इसका यूज आखिर में ही करना, लेकिन हाओ चेन वो ब्रेसलेट लेने से मना कर देता है। लेकिन ये हुआ कहते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, और जाते हुए ये हुआ कहते हैं कि अब बस तुम जल्दी से डिमन हंटिंग रेस में शामिल हो जाओ। और ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक टेस्ट है जो बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे पास कर लोगे। और फिर ये हुआ कहते हैं कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, होली सिटी में जल्दी जीत कर आना। हाओ चेन कहता है कि मैं जल्दी इस परीक्षा को पास करके आपसे होली सिटी में मिलूंगा। ये हुआ के जाने के बाद हम उनकी आवाज सुनते हैं जिसमें वो कह रहे थे कि हाओ चेन शायद तुम वही हो जिसका इंतजार इंसान हजारों सालों से कर रहे थे। इसके बाद हम ली जिन को देखते हैं जो कि हाओ चेन के पास आई थी। हाओ चेन एक पुराना आर्मर डीमन रेस में पहनने वाला था, लेकिन ली जिन उसके लिए एक नया आर्मर लाई थी, जिसे हाओ चेन जब पहनता है तो ली जिन कहती है कि अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक अच्छा हथियार भी होना चाहिए। इसीलिए वो शहर की सबसे बड़ी हथियार की दुकान में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे हथियार देखने के बाद उन्हें कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो दुकान वाला उन्हें एक शील्ड दिखाता है और कहता है कि यह शील्ड ऑफ लाइट है। फिर वो उस शील्ड की बहुत सारी अच्छी बातें करता है, जिसे सुनकर ली जिन को अच्छा लगता है। साथ ही उसके आर्मर के साथ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और वो उस शील्ड को ली जिन से छीन लेती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।